सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गुरु जी के मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ऋषि जैन। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी वनस्पति की जो जिसकी हिंदू धर्म में जिसे श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा जाता है। मान्यता है कि इस पर देवताओं का वास, ज्यादातर मंदिरों के पास इसकी उपस्थिति होती है। सुबह सुबह लोग इस पर जल चढ़ाते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और इस सहज सुलभ और पूजनीय वृक्ष का नाम है पीपल। तो गुरु जी से आज जानेंगे कि पीपल के वृक्ष को इतना पवित्र क्यों माना गया है, इस वृक्ष के नीचे अक्सर क्यों कोई नहीं सोता, ना ही इसके पास कोई निर्वित होता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेंगे गुरु जी से। लेकिन उससे पहले गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गुरु जी के मंत्र में। और आज आपसे जानना चाहेंगे पीपल का वृक्ष जिसकी हिंदू धर्म में अपनी मान्यता है, तो इसके क्या गुण है, किस प्रकार हमारे जीवन को और ये प्रसन्न कर सकता है। पीपल एक बहुत ही पवित्र वृक्ष है। इसको धर्म में इसलिए मान्यता है क्योंकि ये प्रकृति का सबसे बड़ा पालनकार है। पालनकर्ता कैसे है कि प्रकृति को, आदमी को जीने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की जी। इस सृष्टि में ये एक चमत्कारी है कि 24 घंटे ये ऑक्सीजन देता है। विशाल काय वृक्ष है ये, ईंधन में, चारे में, पूजा में, फर्नीचर में, आयुर्वेदिक के अतिरिक्त तंत्र मंत्र में भी ये अपनी बड़ी खूबियां रखता है। इस कारण इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं में कहा जाता है कि इसमें प्रेत का वास है जी। इसके लिए इसके नीचे कोई नहीं सोता, ना पेशाब करता है, ना शौच करता है। इसलिए मैंने आपको कारण बताया कि इसके नीचे नहीं सोना, प्लस ये पवित्र वृक्ष है जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, इसको प्रदूषित ना करें ताकि इसकी शुभता बढ़ी रहे जी। गुरु जी, यदि हम बात करें कि इस वृक्ष की, आपने पवित्रता की बात की, तो जो हम, आपने तंत्रों में भी कहा कि मंत्रों में भी इसका उपयोग है, तो वो किस प्रकार, जो पीपल का वृक्ष है, लोग अक्सर जिनको शनि की साढ़े साती है, महादशा है या शनि का ढैया लगा हुआ है, तो पीपल के वृक्ष की उपासना के लिए बताते हैं। ऐसा करें कि शीघ्र सिद्धि के लिए जी, यक्षिणी या तामसिक साधना में इसकी जड़ के पास बैठकर मंत्र जाप करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। पीपल पर जल चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है जी। पीपल की पूजा करने वालों को लाभ जरूर मिलता है। क्यों? पहला कारण यह होता है कि पीपल के वृक्ष के अंदर, देखिए शास्त्रों में वर्णन है कि अगर एक मंत्र आपने पीपल के वृक्ष के नीचे जपा, उसका कई हजार गुना लाभ है। अगर वही मंत्र आपने किसी नदी के किनारे जपा, उससे असंख्य लाभ है। वही मंत्र अगर आपने किसी शिवालय में जपा, उसके अलग लाभ है। उसी मंत्र को जब आप घर में जपेंगे तो कई वातावरण के कारण वो मंत्र का लाभ बड़ा न्यून हो जाता है। ठीक, क्योंकि पीपल में से जो वाइब्रेशन निकलती है उसको इस भूमंडल के वातावरण में उस मंत्र को भगाती है। इसलिए पीपल के नीचे जपा हुआ जप अक्ष गुना लाभ दे। चलिए, जपे हुए मंत्रों की तो बात की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि एक प्रश्न और भी है गुरु जी, कि पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वस्त्र क्यों नहीं सोया जाता या क्यों नहीं खड़ा जाता? क्योंकि इसके ऊपर भूत प्रेत और कई आत्माओं का विकास होता है जी। और रहती है, याद रखें, शमशान में लगा हुआ वृक्ष, शमशान के नजदीक लगा हुआ वृक्ष, इसको मजाक नहीं समझे। जिन ब्रह्म राक्षस इसके ऊपर निवास करते हैं, जब स्त्री या पुरुष कोई इसके नीचे निर्वस्त्र होके सोता है, उनके सब द्वार खुले होते हैं। उन द्वार से वो आत्माएं उस शरीर में प्रवेश करती हैं। क्यों? कि वो अतृप्त आत्माएं हैं और इस शरीर के माध्यम से वो अपनी अतृप्ता को तृप्ता में बदलना चाहती हैं। जी, चलिए, ये तो थी हमारी जीवन से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अत्यंत उपयोगी आपने बताई कि पीपल के वृक्ष की क्या महत्ता है और तंत्र में भी किस प्रकार कार्य सिद्धि के लिए भी आपने बताया। तो कार्य सिद्धि की बात करें तो धन प्राप्ति का एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में आ ही जाता है। और आपसे जानना चाहेंगे कि पीपल के वृक्ष की पूजा की भी बात की थी गुरु जी आपने, तो उस पूजा का सही विधान आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है धन की प्राप्ति हो। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर गुड़, दूध, जल, किस दिन? शनिवार को। दूध, गुड़, जल और सरसों के तेल का दिया जला दें। नित्य पूजा करें। सरसों का तेल क्यों जलाना है?
क्योंकि गरीबी का उच्चाटन होगा, इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, दरिद्रता नाश होगा और पीपल के नीचे शिवलिंग को स्थापित करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे दरिद्रता कम होती है। शिव के जाप से क्यों दरिद्रता कम होती है? क्योंकि जब समुद्र मंथन में दो शक्तियों का बाहर आई थी, एक लक्ष्मी और उसकी बहन, दरिद्रता को कोई ग्रहण नहीं करता था, शंकर जी ने उसको अपने पास रख लिया था, और जिसलिए जो शिव जी की पूजा करते हैं शिव उस दरिद्रता को उसके घर नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा गुरु जी। आपसे कोई और भी उपाय जानना चाहेंगे जो धन की प्राप्ति के लिए, जो धन बढ़ाने के लिए पीपल के वृक्ष के जरिए हम बढ़ा सकते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे शिव प्रतिमा स्थापित करें, शिवलिंग स्थापित करें, उसके ऊपर नित्य जल चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें, कम से कम 5 या 11 मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र जो स्वतः सिद्ध होता है उसका नाम है ओम नमः शिवाय, या इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे कुछ दिन की नियमित साधना से आप देखेंगे कि धन की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। जो प्रतिमा है उसको धूप दीप से भी शाम को पूजे तो आपको लाभ आएगा। अभी तक बात की हमने व्यापार के बारे में, गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे जिन लोगों के व्यापार में घाटा चल रहा है लगातार, क्या पीपल के वृक्ष की वो पूजा किस प्रकार करें, कौन सा उपाय करें कि उनका व्यापार में जो है वृद्धि होनी शुरू हो जाए? व्यापार घाटा चल रहा हो क्या करें? आक का एक पौधा होता है जिसको जब तोड़ोगे तो उसमें से दूध निकलता है। हाँ। उसमें नीले रंग के फूल होते हैं आक का, और धतूरे में सफेद रंग के ऐसे लंबे से फूल होते हैं, और वो उसमें जो फल होता है उसमें कांटे लगे होते हैं जी। तो आक का, धतूरे का, और चिरचिटा। चिरचिटा क्या होता है? एक पौधा होता है, कई बार आप जंगलों में से निकल जाओ तो आपके कपड़े के साथ एक गोल 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 वो गोल चक्कर से लग जाते हैं, टिक्के से कांटे कांटे वाले, वो गेहूं में बहुत निकलता है, उसे चिरचिटा बोलते हैं। इनकी जड़ ले लें तीनों पेड़ों की। हाँ जी। दूब घास निकलते हैं तीन मुंह वाली। हाँ। उसको ले लें, पीपल की जड़ ले लें, खेजड़ी एक पौधा है खेजड़ी, उसका पत्ता ले लें, आम का पत्ता ले लें, मिट्टी के एक सकोरे में सबको डाल दें, उसमें दूध डाल दें, चावल, चना, मूंग, गेहूं, तिल, सरसों और छाछ। छाछ क्या बोलते हैं? दही का मठा, लस्सी को। बिल्कुल। इनको सबको कुल्हड़ में रख दें। गुरु जी एक बात, जो आपने जितनी सामग्री बताई है तो उनका कोई अनुपात क्या, वो एक एक मुट्ठी? एक 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 इतना इतना दाना, बस इतने इतने लेते बस जी। दो चुटकियां, चार चुटकियां जी, जितना उसमें आ जाए जी। इसे सायंकाल शाम के समय, इसको ध्यान रखें, सायंकाल, न रात न दिन। बिल्कुल। उसे बोलते गोधूली बेला, उस टाइम पर शनिवार के दिन पीपल की जड़ में गाड़ दें, आप लाभ देखना शुरू हो जाएंगे जी। चलिए ये तो व्यापार की बात रही, अब हम बात करना चाहेंगे उन दंपतियों की जिन दंपतियों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है। कहते हैं कि भगवान यदि हमें धन दे देता है तो संतान नहीं देता है, तो कई दंपति ऐसे हैं जिन्हें प्रभु ने बहुत कुछ दिया है लेकिन संतान नहीं हो पाती है, तो क्या पीपल का वृक्ष इन दंपतियों की कोई मदद कर सकता है? हाँ, कई दंपतियों में किसी तरह की शारीरिक कमी नहीं होती लेकिन फिर भी वो संतान प्राप्ति से वंचित है। बिल्कुल। इसके लिए करें, एक पत्ते को लगभग कितनी देर, 1 घंटा भर जल में रखें, पीपल के वृक्ष के पत्ते को, बाद में पत्ते को फेंक दें। अच्छा। उस जल का प्रयोग पति पत्नी दोनों करें, पहले पत्ते को धो लें, 1 घंटा पानी में भिगो के रखें, पत्ते को निकाल के फेंक दें, पति और पत्नी दोनों उस जल का प्रयोग करें। ये जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, इसमें ब्रह्म का निवास है, वो तत्व हमारे जाने से अंदर संतान उत्पत्ति करने की शक्ति बढ़ती है। चलिए ये तो हमने उन दंपतियों के लिए जाना, लेकिन अब एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो आपने बहुत पहले मेरे साथ एक एपिसोड में चर्चा की थी कि पितरों को हम नमन नहीं करते हैं, उनकी जो कहेंगे परालौकिक यात्रा है कहीं ना कहीं हम उसमें उनका साथ नहीं देते हैं। तो अक्सर जब किसी पंडित को हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो कह देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है,
तो पितृदोष में पीपल के वृक्ष का काफी महत्व भी बताया गया है, लेकिन आपसे ऐसा एक अनोखा और चमत्कारिक नुस्खा जानना चाहेंगे गुरुजी, जिससे जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं दर्शक, ताकि उनको पितृदोष से जो पीड़ित हैं उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिले। दो तरह के पीपल होते हैं, वैसे पीपल कई प्रकार का, मगर जो एक बहुत दुर्लभ पीपल है आज मैं बताता हूँ, उसका नाम है पारस पीपल। उस पीपल में और आम साधारण पीपल में फर्क होता है? हाँ। कैसे पता? पारस पीपल का पत्ता बहुत छोटा होता है और उसमें कई रंग के फूल आते हैं और उसमें विशेष प्रकार का मीठा फल लगता है। अच्छा। पूजाओं के लिए उस पीपल का बहुत बड़ा महत्व है। 1,000 या 10,000 पीपल का पौधा देखने के बाद कहीं एक पारस पीपल का वृक्ष मिलता है। अच्छा। क्या करें, पारस पीपल पर श्राद्ध पक्ष में अमावस्या को या जिन दिनों में श्राद्ध चलते हैं उन दिन जल अर्पित करें और कहें कि मैं पितृ दोष के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए ये जल अर्पित कर रहा हूं। आप देखेंगे पितृ दोष जनित बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जी गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अक्सर आज के युग की बात करें, कलयुग में हमारे पास इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख हैं, पता नहीं उन दुखों का, उन परेशानियों का कारण शायद हमारी इच्छाएं ही हैं। महात्मा बुद्ध के मुझे कथन याद आ रहे हैं कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। शायद हम लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं इसलिए ज्यादा दुखी हो गए हैं। लेकिन यदि बात करें आज के युग की, तो आज लोग ग्रहों के पीछे बहुत भागते हैं, लोग कुंडलियों के ऊपर अपने बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, और क्या यदि पीपल के वृक्ष की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे किसी ग्रह से भी रिलेटेड है? हाँ, पहले मैं आपको शुरू करता हूँ सूर्य से। अच्छा। याद रखें, नित्य जल देना, गेहूं चढ़ाना सूर्य के काम को शांत करता है। जी। नित्य जल चढ़ाना और लाल मलका की दाल चढ़ाना पीपल पर मंगल को ठीक करता है। नित्य गेहूं जल चढ़ाना और चावल चढ़ाना चंद्रमा को शांत करता है। नित्य जल चढ़ाना और नीच राशि का गुरु भी है अगर तो चने की दाल और हल्दी कब, अगर गुरु चाहे नीच राशि का है चाहे गुरु उच्च राशि का भी है, इसको या हल्दी से पीले किए हुए चावल 11 गुरुवार को लगातार चढ़ाएं, गुरु ग्रह जनहित बाधाएं दूर हो जाएंगी। जी चलिए, हम बाधाओं की बात कर रहे हैं, परेशानियों की बात कर रहे हैं, बीमारियों की बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत ही ऐसी बीमारी रूप लेती जा रही है गुरुजी, जो व्यक्ति में पता नहीं किस प्रकार जन्म ले लेती है डिप्रेशन, और बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे देती है। तो क्या जैसा आपने कहा था कि पीपल का वृक्ष जो है ऑक्सीजन देता है, तो क्या पीपल का वृक्ष जो इस बीमारी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, तो उसमें कुछ ये हेल्पफुल रह सकता है? मुझे आपके साथ, मैंने जीवन में सालों हो गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हुए, मगर बहुत मजा आया आपके साथ काम करके। मैं जैसे नए नए उपायों को ढूंढ के लाता हूँ, नए नए उपायों के साथ कुछ अपने तजर्बे मिलाता हूँ, बड़े ज्ञानी जनों से मैं उन उपायों को पूछता हूँ, न जाने मैं कहाँ कहाँ से लोगों के लिए ये योग्य उपाय इकट्ठे करता हूँ। ठीक उसी तरह विभिन्न प्रकार की बीमारियों को, विभिन्न प्रकार की आफतों की भी आप पूरी एक वोकैबुलरी बना के लाती हैं, और उसका बहुत अच्छा लगा। इसके लिए क्या करें, इसकी लकड़ी को, पीपल की लकड़ी को चंदन की भांति घिसकर पत्थर पर रात्रि के समय मस्तिष्क पर लगाएं, क्योंकि इसमें क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, ज्ञान। बृहस्पति क्या है, ब्रेन। बृहस्पति क्या है, दिमागी परेशानी को खत्म करने का ग्रह। और जब बृहस्पति अस्त होता है तो आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। इसकी लकड़ को पत्थर के ऊपर चंदन की तरह घिस के उसके जल से अगर अपने माथक पर लेप करें, जिस तरह कई बार आपने देखा होगा लोग चंदन का लेप करते हैं, आप देखेंगे डिप्रेशन समाप्त होना शुरू हो जाए। आपने बहुत हमें उपाय बताए, जिसमें हर बार आपने ये कहा कि हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई विद्यार्थी है, क्या कोई व्यक्ति है या कोई स्त्री है, तो वो जब पीपल के वृक्ष के पास से भी गुजरे तो भी उन्हें नमन कर दे, ताकि जो भी उनसे कोई भूल चूक हो तो वो माफ हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा
कि भूत प्रेतों का जो डेरा है वो पीपल के वृक्ष पर रहते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, यहाँ वहाँ पर शौच वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो जो भूत बाधा, लोग कहते हैं कि इनमें भूत आ गया है, प्रेत आ गया है, वैसे आज के युग में सुनकर बड़ा अजीब लगता है, लोग हम साइंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन भूत प्रेत, ये भी कहूँगी कि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु अटल सच्चाई है, और जन्म के साथ जैसे यात्रा शुरू होती है तो शायद मृत्यु के बाद भी कोई यात्रा है जो प्रेत आत्मा के रूप में हम लोग निभाते हैं। तो यदि भूत बाधा की बात करें तो क्या पीपल का वृक्ष भूत बाधा में कितना सहाय होगा, कैसे हम उपाय करेंगे? आज के जमाने में अगर कहीं किसी से भूत प्रेत की बात करो तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि भूत दिखाइए, भूत नहीं होता, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे, क्या होता है, कारण क्या है अगर भूत नहीं है? हम हिंदू किस शास्त्र को मानते हैं? वेदों को। किस शास्त्र को मानते हैं? रामायण को, उपनिषद, वेद, पुराण, सब शास्त्र भूत नामक जोनी की परिचय देते हैं। रामायण के मानने वाले ये जानते होंगे कि तुलसीदास जी को हनुराम जी के दर्शन में कहां से शुरुआत होती है? प्रेतों से। तुलसीदास जी शौच के बाद उस जल को एक बबूल की झाड़ी पर जल छिड़क दिया करते थे, 40 दिन तक उस प्रेत पेड़ पर रहने वाला प्रेत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो स्वच्छ जल नहीं ले सकते। तब उसने कहा मांग क्या मांगता है? तुलसीदास जी लिखते हैं अपने जीवनी में कि मैंने उनसे कहा मुझे राम के दर्शन करा। अरे अरे, क्या राम का नाम लेता है? भाई हम इस नाम से तो डरते हैं, तुम्हें हम बता सकते हैं कि प्रभु के अनन्य भक्त कहाँ मिलते हैं। उन्होंने हनुमान जी का परिचय करा, हनुमान जी ने राम जी का परिचय करा। तो कहने का मतलब प्रेत होते हैं, माने ना माने, मैंने देखे हैं जी गुरुजी, मैंने देखे हैं लोगों को जिनके अंदर भूत बाधा होती है, लोग उन्हें पीटते हैं, मारते हैं, बुरी तरह उन्हें अपशब्द कहते हैं, ऐसा भी करते हुए देखा है मैंने लोगों को। तो क्या है, जो प्रेत बाधा से परेशान हो उनको अपशब्द ना कहें, क्योंकि वो उसकी बीमारी है। यदि हमसे अनजाने में कोई गलती हुई है तो क्षमा करें, 5 पीपल के पत्ते लेकर उन पर क्या रखें, 5 सुपारी, ठीक है, पत्ते पर लाल चंदन व गंगा जल घिस कर राम दूताए हनुमान 2 बार लिखें। क्या लिखें? राम दूताए हनुमान 2 बार लिखें, और धूप दीप से पूजा करके प्रेत बाधा मुक्ति की प्रार्थना करते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। देखिए, भूत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति को आराम आना शुरू हो जाएगा जी। नित्य स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें, साथ धूप दीप जलाएं। रोज ऐसा करने से पीपल के पेड़ पर निवास करने वाली आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और सहायक हो जाती हैं। इसको सच जाने, मैं आपको डराने के लिए या आपको किसी प्रकार का पाखंड दिखाने के लिए मैं ये शब्द नहीं कहने जा रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत से साधक देखे, बहुत से ऐसे साधकों को, घोर साधकों को देखा है जो इन प्रेतादिक ताकतों से अपनी साधना के लिए कई प्रकार के काम करवा लिया करते, और अर्धरात्रि को वो इन प्रेतादिक ताकतों के लिए भोग का समान जाकर शमशान में और ऐसी जगहों पे रखते हैं जहां प्रेतों का वास होता है। हमने अक्सर ये बचपन में कॉमिक्स में पढ़ी थी ऐसी चीजें, लेकिन आज वास्तविकता में आपसे जान, ये हकीकत है, ये मजाक नहीं, हमारे शास्त्रों की लिखी हुई एक एक बात अक्षरता सत्य है। हम अपने शास्त्रों से मुकर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा पढ़ लिख गए। इसे पढ़ाई कहते हैं जो कमाई देती है, उसे पढ़ाई नहीं कहते जो ज्ञान देता है। इस चमत्कारी पेड़ से बहुत सारे फायदे जी। चलिए, जरूर मैं ये जानना चाहती थी, क्योंकि दर्शक ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस पेड़ से, पावन पेड़ से, और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। चमत्कारिक परिणाम याद रखें, पीपल की सेवा करने वाले व्यक्ति को किसी ना किसी चमत्कारिक ढंग से लाभ अवश्य आएगा। 40 दिन अक्षरता आप पीपल की सेवा करें। किस तरह से जी? सुबह उठें, नहाएं धोएं, साफ होकर 1 लोटे में गंगा जल या जल थोड़ा सा उसमें दूध डाल लें, दूध डाल के धूप दीप ले लें,
थोड़ा सा उसमें मीठा डालें, डालने के बाद पीपल के वृक्ष पर चले जाएं और वो दूध जल उस पर चढ़ा के उसकी सात परिक्रमा करके धूप दीप उसके आगे जला के माथा टेक दे, भगवान से ये प्रार्थना करे कि मेरे दुष्ग्रहों का आप ही समाधान करें। 40 दिन लगातार करें, आप देखेंगे दुष्ग्रहों के प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और जीवन सुख की ओर अग्रसर होगा। मेरा धन्यवाद नहीं करना, धन्यवाद करना उसका जिसने ये शास्त्र बनाया। जी, हम तो दर्शकों से यही कहेंगे कि यदि आज उन्होंने पीपल के वृक्ष के बारे में, उसके चमत्कारिक गुणों के बारे में जाना है, तो वो अपने बच्चों के हाथ से भी एक पौधा जरूर लगवाएं, चाहे वो पीपल का हो, तुलसी का हो, किसी भी तरह का पौधा हो, क्योंकि आज हम इतने पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें हरे भरे पौधों की, हरे भरे पेड़ों की सख्त ज़रूरत है। और पीपल का वृक्ष यदि आपको दिखे, आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, तो अपने बच्चे को भी बोलें कि पीपल के वृक्ष को नमन करें और जल चढ़ाएं। गुरु जी, आज की चर्चा के लिए, बताए गए उपायों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई हम फिर हाजिर होंगे गुरु जी के मंत्र में एक नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।